जैसे कि हम लोगों ने पोजीशन बाय द ऑल्टरनेशन ऑफ आर्म्स पढ़ ली, अब हम बाय ऑल्टरनेशन ऑफ लेग्स जो है वो सारी पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पोजीशन है दिस इज क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन। क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन जैसे कि नाम से पता चला है कि इसमें हमारी जो लेग्स होंगी वो क्लोजली पड़ी होंगी, ठीक है, और इसमें हमारे जो फुट होंगे, जो हमारे पाँव होंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन। क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी जो लेग्स हैं ये क्या होंगी, इनवर्ड रोटेटेड होंगी, अंडरस्टूड सी बात है। मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द फिट क्या होंगे, एडजस्टेंट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पाँव के मीडियल बॉर्डर्स क्या होते हैं, इसमें एडजस्टेंट होते हैं। हिप्स क्या होती है, यहाँ पर हमारी मीडियली रोटेटेड होती है, ठीक है। तो ये एक रफ से पिक्चर से आपको पोजीशन पता भी चलती है। इसमें मसल वर्क क्या होता है, वो कहते हैं कि इसमें हमारी जो लेग्स है ना वो क्या कर रही होती है, स्ट्रांगली वर्क कर रही होती है इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लेग्स जो है उनकी इनवर्ड रोटेशन भी हो रही है, फिर उन्होंने फुट को भी जो है वो एक साइड पे रखना है, मिला के रखना है, टाइट रखना है, तो ये पोजीशन जो है इसमें मसल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या है, वो कहते हैं कि इस पोजीशन में जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट है, इसमें हमारी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे पाँव जो है वो एक दूसरे के साथ है। हमें पता है बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, जितना हमारे फीट के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको हम बेस ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो चूंकि फुट जो है वो एडजेसेंट पर है, इसलिए जो है उनकी बेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें बेसिकली बेस रिड्यूस हो जाएगी तो बैलेंस करना जो है इस पोजीशन में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं रिलैक्सेशन होती है आपके लैटरल रोटेटर्स की, अंडरस्टूड सी बात है, जब हिप्स की मीडियल रोटेशन हुई हुई है तो यहाँ पर जो है वो लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप की जो है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये पोजीशन जो है वो हमारी डन हो गई।